हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, एनालॉजी के एक नए सीरीज में आपका स्वागत है और यहाँ पे बिना टाइम गवाए चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, वो भी बैक टू बैक। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं क्वेश्चन टैग, यही पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो अपना कुछ दिमाग लगा सकते हैं, कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं और खुद सोचने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए आपको बताने का यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 20 से गुणा कर सकते हैं तो 100 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 से गुणा कीजिएगा तो 140 आ जाएगा। तो 140 तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप भी चाहे तो रुक सकते हैं वीडियो को और थोड़ा सोच सकते हैं। तो चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये जो संख्या देख रहे हैं आप 5, इसको आप एक काम कीजिए कि इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 5 स्क्वायर 25 हो गया। अब इसको 4 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया, 100 आ गया ना। सेम टू सेम यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये 7 देख रहे हैं, इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या दिक्कत। और जिस तरह से हमने 4 से गुणा यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी कर देते हैं। तो 7 स्क्वायर 49 हो गया। 49 में 4 से गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा, जब 50 × 4 होता है 200, तो 49 × 4 196 होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 20 है 11 है 24 है, क्वेश्चन टैग दिया है, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सवाल को देखिएगा दोस्तों, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे कुछ अलग लोचा किया गया। क्या किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों डिवाइड किया गया है। किसको किससे डिवाइड किया गया, ये समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, ये जो संख्या आप देख रहे हैं 20, यहाँ पे 20 देख रहे हैं ना, इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, लेकिन इसमें +1 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे +1 कर दिया है, 2 से भागा देके +1 कर दिया तो कितना आएगा, 11। यहाँ पे भी 2 से भागा कर देंगे 12 आ जाएगा, +1 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो सवाल ऐसे भी दोस्तों पूछ सकता है, हो सकता है कि एग्जाम में आपके सवाल आए और उसमें आपको भागा करने के लिए बोला जाए 2 से 3 से 4 से, मतलब ऐसा सवाल हो कि जिसमें आपको भागा करने की जरूरत पड़े, कहने का मतलब यह है, और उसके बाद +2 +1 +3 ऐसे करके जोड़ने के बाद आपका दूसरा नंबर आए। तो ऐसे भी दोस्तों चेक करते रहना चाहिए एग्जाम में कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसमें भागा करने को पड़े या इसमें गुणा करने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि 7 है 56 है और यहाँ पे 9 है और आगे क्वेश्चन टैग दिया है, पूछ रहा आपसे यहाँ पे पूछ रहा आपसे क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं और रोक करके खुद सोचने का प्रयास कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप इसमें 8 से गुणा कर दें, तो 8 से गुणा कीजिएगा तो 56 तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो ही आप यहाँ पे 8 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 72। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं 72, यहाँ पे तो 73 दिया गया है। तो यहाँ पे 81 है 90 है 99 है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे कुछ हम अलग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। इसको स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49 1 5 49 1 50 6 56 1 7, तो यहाँ पे 7 इसमें ऐड कर देते हैं, और यानी कि एन स्क्वायर प्लस एन के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे भी दोस्तों होता है कि कोई संख्या को बोल दे कि आपको स्क्वायर करके और उसी संख्या को जोड़ने को बोल दे, जैसे 7 स्क्वायर प्लस 7, ठीक। तो यह 11 56 और इस तरह का कंडीशन अप्लाई हो तो 9 स्क्वायर प्लस 9 81 हो जाएगा, 9 स्क्वायर और 9, तो 81 9 90, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि ये एन स्क्वायर प्लस एन के फॉर्म में है, ठीक। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों है कि 8 है 66 है 6 है और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो रोक सकते हैं, ठीक है, वीडियो को। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे 66 है, ठीक, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों यहाँ पे अगर 66 में से 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 64 और ये किसके बराबर है, 8 स्क्वायर के। तो ऐसे भी दोस्तों आपको ट्राई करते रहना चाहिए एग्जाम में कि मे भी हो सकता है कि आपको इस तरह से सिचुएशन हैंडल करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से 2 घटाए तो 8 स्क्वायर के बराबर हो गया। तो किसमें से 2 घटाए, अब देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है। एक्चुअली में यहाँ पे ऑप्शन में 38 होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में अगर 38 होता तो उसमें से 2 घटाते तो 36 होता, जो कि 6 स्क्वायर के बराबर होता, ठीक। तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो 66 में से 2 गया 64, 8 स्क्वायर के बराबर, और 38 में से 2 गया आपको 36 हुआ, जो कि 6 स्क्वायर के बराबर, यानी कि इसका जो जवाब होगा ये 38 होगा, ठीक। तो ये मिसप्रिंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कि 16 है 22 है 36 है और आगे पूछ रहा आपसे कि यहाँ पे आगे क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों गौर से अगर आप देखिएगा इस सवाल को तो दोस्तों आपको एहसास होगा कि यहाँ पे एक अलग फंडा यूज किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया ना, और ये हो गया 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसका तो कोई स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो ये क्या बन रहा है, 4 स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर हो गया। इसको आप
पाँच स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, लेकिन पाँच स्क्वायर माइनस तीन तो लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, इसको आप चार स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, इसको छः स्क्वायर लिख दीजिए, इसको पाँच स्क्वायर लिख दीजिए, लेकिन पाँच स्क्वायर आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये 22 है, तो आप इसको पाँच स्क्वायर माइनस तीन लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो चार इसमें है, इसमें पाँच है, इसमें छः है, तो आगे सात लिख दीजिए आप, और चार स्क्वायर हो गया, ये पाँच स्क्वायर माइनस तीन, ये छः स्क्वायर होगा, ये सात स्क्वायर माइनस तीन, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सात स्क्वायर कितना होता है, ये 49 होता है, 49 में से तीन गया 46। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा ए वो राइट हो जाएगा, क्योंकि 49 में से तीन गया 46। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको बस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर माइनस 3 इस फॉर्म में आगे बढ़ाया गया है। तो दोस्तों यही था कुछ सवाल, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे और इस सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।